ये 48 डिग्री भी डिगा नहीं पा रही है, बल्कि और उत्साहित कर रही है। मैं इसके लिए आपके द्वारा जो पसीना बहाया जा रहा है बहन और भाइयों, इसका आभार यहां पर आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आपको रिटर्न करेगी। और इसी के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए, आज मुझे यहां पर आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, आपने अच्छी जगह 2014 में वोट दिया, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। आज हमारा मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारे मिर्जापुर में क्या नहीं है, क्या नहीं है, इस भीषण गर्मी में कभी ये क्षेत्र पानी के एक एक बूंद के लिए तरसता था। आज हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है और आप देखना बहुत शीघ्र जल की समस्या का स्थायी समाधान इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी, ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष जब हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। हमारे यहां का नौजवान, मुझे याद है जब यहां का नौजवान पढ़ने के लिए जाता था, चाहे वह हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हो, इन सबको मिर्जापुर के बाहर जाना पड़ा था। कोई गोरखपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रह करके पढ़ने के लिए जाता था। साधन के अभाव थे तब भी मेहनत करके पढ़ते थे। और अब तो हमारा मिर्जापुर कह पाएगा, हमारे पास में विश्वविद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के डिग्री लें, अच्छी डिग्री लें। बहन और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की, या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो, या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। और बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महा घोटाले का, और सायकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी।
हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं, घर के अंदर घुस करके मारने की हिम्मत रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों की माद में घुस करके निकालता है, उसको पाताल लोक से भी निकाल करके ला करके पटक करके मार करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करना जानता है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, और साथ साथ विकास के कार्य, 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत, अन्नवा भारत जैसी ट्रेन, वाटरवे की सुविधा भी है, रोपवे की सुविधा भी विकसित हो रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह संकल्प भी साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इन सब के साथ साथ गरीबों का भी कल्याण हो। मैं कहना चाहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का राग क्यों अलापते हो, और इतना ही अगर पाकिस्तान से मोह हो तो भारत के बोझे मत बनो, भारत से बाहर वहां पाकिस्तान जाकर के देखो थोड़ा। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों की पेट का पेट नहीं भर पा रहा है, 23 करोड़ की आबादी भूख से बिलख रही है पाकिस्तान में, और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर करके खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी के नेतृत्व में भारत दे रहा है। बहन और भाइयों, अभी तक तो 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, कभी कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 100 पैसा बेचते हैं नीचे 15 पैसा जाता है, बाकी 85 पैसा एक कांग्रेस के दलाल, समाजवादी पार्टी के दलाल खा जाते थे। आज मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए,